वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म्स को सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं उसके लिए देखिए जरा, वॉज लिखा है और नॉट लिखा है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो होता है वजंट। वॉज और नॉट के बीच का स्पेस खत्म होता है, ओ के जगह पे अपोस्ट्रॉफी होता है और इस तरह से वजंट होता है। ऐसे ही अगर दे और आर का कंट्रैक्शन करना है तो इसका होता है दे। फर्स्ट लेटर की जगह पे अपोस्ट्रॉफी हो जाता है और देयर होता है कंट्रैक्शन इसका। हम इसी कंट्रैक्शन को सीखेंगे, उच्चारण करना भी देखेंगे कि कंट्रैक्शन क्या होते हैं, उच्चारण कैसे करते हैं। पूरा लिखा मिलेगा हिंदी में, प्रोनंसिएशन मिलेगा आपको। बट कंट्रैक्शन का यूज है क्या? इसका यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल राइटिंग में। इनफॉर्मल राइटिंग क्या कहलाएगा? आप एग्जाम में जो लिखते हैं उसमें कंट्रैक्शंस का यूज नहीं करेंगे, फिर भी कहीं कहीं जैसे डोंट, कांट, इन सब का यूज का परमिशन हो गया, लेकिन सबका नहीं हुआ है। तो एग्जामिनर अगर कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे नंबर डिडक्ट करता है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हमें इनफॉर्मल राइटिंग में नहीं यूज करना होता है, सॉरी फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं करना था। फॉर्मल राइटिंग क्या कहलाएगा? एग्जाम पेपर, आपको प्रेसी लिखना है, आपको कंप्रिहेंशन लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का यूज नहीं करना है। लेकिन यूज क्या है? स्पोकन में यूज है। और साथ में कोई बुक पढ़ते हैं वहां पे मिलेगा, देयर मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या पढ़ते हैं इसको। वजंट मिलेगा, वजंट तो आपको उच्चारण करने आएगा नहीं, तो थोड़ा आसान है, जो डिफिकल्ट सा होता है उसका उच्चारण नहीं आएगा। तो हम सब कुछ समझ जाएंगे आज। कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्ट फॉर्म हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए कैसे क्या किया हमने, यहाँ पे दे और आर था, दे सब्जेक्ट है और आर हेल्पिंग वर्ब है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन किया ना देयर। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्या होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब एम होता है तो उसका ए गायब होगा और एपोस्ट्रॉफी और एम लग जाएगा। जैसे कि बताया था आपको यहाँ पे कि दे और आर में क्या किया, एक को गायब कर दिया और एक जब अपोस्ट्रोफी लगा दिया और आर ई को रखा और स्पेस भी हटा दिया। तो ऐसे ही करना होगा। इज में भी ऐसे करेंगे, आर में भी ऐसे करेंगे, हैव में हम एच ए को लगा हटाएंगे, जहां भी हैव रहेगा वहां पे एच ए को हटाएंगे और दोनों के बदला में यहां पे अपोस्ट्रोफी देंगे। हैज में भी एच ए को हटा देंगे, हैड में भी एच ए को हटाएंगे और विल में डब्ल्यू आई को और शैल में रहेगा तो एस एच ए को हटाना पड़ेगा और एल एल और अपोस्ट्रोफी और डी, ऐसे आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करने होते हैं। जैसे मैं कहूँ आई शैल समथिंग, एक सेंटेंस है, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन आई और शैल का करेंगे आप तो अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और एल एल कर देंगे। देखिए क्या होता है, आई तो ठीक है, शैल का अपोस्ट्रोफी एन एल एल कर दिया हमने। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन का रोल यही है। आपको याद रखना है कि जो भी हैव वाला होगा वहाँ पे हैव, हैज, हैड, इन तीनों में से तो हम एच ए को हटा देंगे, शैल और विल में एल एल को रखेंगे, बाकी जितना रहेगा चाहे डब्ल्यू आई रहे चाहे एस एच ए रहे इनको हटाना पड़ेगा, और जितने रेस्ट हैं उनमें से फर्स्ट लेटर को हटाना होता है। ये जो दिख रहा है इसके लिए रूल है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्शन का रूल होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन हेल्पिंग वर्ब और नॉट का भी होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन किया ना, वॉज और नॉट, तो क्या होता है वॉज नॉट, इसको वाज नहीं पढ़ते इसको वॉज पढ़ते हैं। तो वॉज और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉज नॉट हो गया, वजंट पढ़ते हैं इसको एक्चुअली वजंट। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। तो क्या होगा, इज और नॉट कहा हुआ तो जिधर जिधर नॉट रहेगा ना, तो ऑलमोस्ट हर जगह का रूल है कि ओ को हटा देना है, स्पेस भी हटा देना है। इज और नॉट दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड बनाना है और ओ की जगह पे अपोस्ट्रोफी लिख देना है।
wasn't, aren't, weren't, haven't, hasn't, hadn't। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब पूरा रहेगा और नॉट में से केवल ओ को हटाकर अपोस्ट्रोफी लगाना है और स्पेस भी हटा देना है, ऐसे ही हुआ है। फिर ये तो था बी वाला, ये हैव वाला। अब मॉडल वर्ब्स जो होते हैं 10 उनका दिया हुआ है, देखिए 10 यहाँ पे मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी दे दिया है, और ओट और नीड, तो 12 13 हो गया है। 3 मार्जिनल मॉडल वर्ब्स होते हैं 13, और 1 नहीं है कोई, कोई बात नहीं। तो कैनट, कुड नॉट, बस यही सेम रूल जो रूल आपने देखा आगे वहीं पे, मे नॉट, माइट नॉट, हाँ मसंट, इसको पढ़ते हैं मसंट, मसंट, सांट, इसको पढ़ते हैं सांट, सब आगे भी लिखा मिलेगा। शुडंट पढ़ेंगे इसको, इसको ओंट पढ़ेंगे, ओंट, इसको उडंट, नीडंट, ओटंट, ओट पढ़ते हैं इसको ओटंट, एंड डेरंट। इस तरह से आपने देखा कि जो भी वर्ड था उसमें ऑलमोस्ट वह वर्ड रह गया और नोट का ओ हटाकर पोस्टोफी लगा दिया। कहाँ चेंज हुआ, शैल वाला में चेंज हुआ, यहाँ पे सांट हुआ, विल वाला में चेंज हुआ, यहाँ पे वोंट हुआ, बाकी सब के सब जैसे थे वैसे। यहाँ पे 2 रेड किया हुआ है, रेड करने का पर्पस है कि इनका अब यूज नहीं करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मे नोट और माइट नोट का यूज नहीं करते हैं। नाउ डू का फॉर्म होता है डोंट, डजंट, डिंट, तो ये भी ध्यान रखेंगे, डोंट, डजंट, डिंट। तो फिर स्पेशल केसेस में लेट्स जो लिखा होता है, लेटस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेटस का लेट्स होता है, ओ क्लॉक लिखा होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन ओ अपोस्ट्रोफी होगा। आपको जानना चाहिए कि ओ क्लॉक का फुल फॉर्म ऑफ द क्लॉक है, ऑफ द क्लॉक, तो ओ का तो कॉन्टेक्स ऑफ द क्लॉक का कॉन्ट्रेक्शन ओ क्लॉक किया और ओ क्लॉक का भी कॉन्ट्रेक्शन करके ओ अपोस्ट्रोफी कर दिया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ओ क्लॉक कॉन्ट्रेक्शन ओ अपोस्ट्रोफी है, खाली वो पढ़ते हैं इसको। तो अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन कैसे करते हैं। अभी निगेटिव सेंटेंसेस में कॉन्ट्रेक्शन के 2 ऑप्शन होते हैं। अब 2 ऑप्शन क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो इधर लिखा है वही, दे आर नॉट बॉयज, मैं क्या लिखा, दे आर नॉट बॉयज। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन 2 जगह पे होगा कॉन्ट्रेक्शन, एक तो दे आर के साथ हो सकता है और क्योंकि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का होता है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का हो सकता है। तो रूल यह है कि निगेटिव सेंटेंस में कॉन्ट्रेक्शन 1 करना है। अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का कर रहे हैं तो फिर नॉट का कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, और अगर आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज नॉट, व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, नॉट, हाँ तो अगर नॉट कॉन्ट्रेक्शन रिटर्न एजेंट, ठीक है, तो अगर आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट का करेंगे तो ऐसे करेंगे, क्या लिखा है, व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड विद सब्जेक्ट, यहाँ विद सब्जेक्ट कर देते हैं, विद सब्जेक्ट, नॉट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिटर्न एज दिस, नॉट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो जब यहाँ पे क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट किया सब्जेक्ट से, तो आप देख लीजिए दे आर, देयर, दे हैव, देव, दे हैव, देव, फिर मनु इज को मनुज, मनु और इज का होता है मनुज, तो सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी होगा नाउन भी होगा, तो सब्जेक्ट के साथ करना है तो मनुज हो गया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हुआ है, यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं हम कि हेल्प सब्जेक्ट को छोड़ दिया है, हेल्पिंग वर्ब नॉट का हुआ है। तो जब हेल्पिंग वर्ब और नॉट का होगा तो सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, और जब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का होगा तो नॉट के साथ नहीं होगा। यही है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ निगेटिव सेंटेंसेस, केवल एक रूल अपनाते हैं, या तो आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का करेंगे या हेल्पिंग वर्ब नॉट का करेंगे, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें।
आगे अब है लिस्ट दे दिया है पूरे जो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं फॉर्म्स उनका कॉन्ट्रैक्शंस का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबका हिंदी में उच्चारण भी लिखा हुआ है ताकि आप कभी भी पढ़ सकते हैं इनको। जैसे कि आर नॉट को आरंट होता है, कैन नॉट को कैन नॉट एक साथ ही होता है इसको कांट कहते हैं, कुड नॉट को कुडंट हिंदी में वही लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ, डिड नॉट को डिंट, डज नॉट को डजंट, डू नॉट को डोंट, हैड नॉट को हैडंट, हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, ही हैड और ही वुड दोनों का एक ही कंट्रक्शन होता है दैट इज हीड, ही विल और ही शैल दोनों का आप जानते हैं इसका हील होगा, ही इज और ही हैज का हीज, हियर और इज का हियर्स, देयर इज का देयर्स, आई हैड आई वुड का आईड, आई विल आई शैल का आईल, आई एम का आईम, आई हैव का आईव, इज नॉट का इजंट, लेट अस का लेट्स, माइट नॉट का माइटंट, मस्ट नॉट का मसंट। आगे भी है शैल नॉट का सांट, याद रखेंगे शैल नॉट का सांट, शी हैड शी वुड का सीड, शी विल शी शैल का शील, सी इज शी हैज का शीज, शुड नॉट का शुडंट, दैट इज दैट हैज का दैट्स, देयर इज देयर हैज का देयर्स, दे हैड दे वुड का देड, दे विल दे शैल का देइल, दे आर का देयर, नाउ दे हैव का देव, वी हैड वी वुड का वीड, वी आर का वियर, We have का view, wear not का warrant, इसको वर पढ़ते हैं, वर नॉट का warrant, what will what shall का वाटिल, what are का water, water, what is what has का what's, what have का what, where is where has का where's। एक और है यह है who had who would का would, who will who shall का who, यहाँ का will, who are का who are, who is who has का whose, who have का who, will not का won't, won't, would not का wouldn't, you had you would का you'd, you will you shall का you will, you are का you are, You have का you। तो इस तरह से हमने देखा contractions क्या होता है, इसका यूज क्या है, contractions helping verb और subject का कैसे होता है, रूल क्या है, helping verbs और not का कैसे होता है, रूल क्या है, कुछ special cases का भी देखा, negative sentences का देखा कि negative sentences में option होता है दो जगह contraction करने का, एक तो subject और helping verb के साथ और दूसरा helping verb और not के साथ, तो एक ही के साथ करते हैं एक बार में, आप किसी को भी कर सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन एक ही करना है। बाकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है उसको लिखा हमने, उसका फुल फॉर्म भी लिखा और उसका प्रोनंसिएशन भी लिखा, ताकि आप इसे बार बार देखते रहिए। इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो वहाँ से भी देखते रह सकते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे।